टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आइलस एग्जाम प्रडिक्शन की। तो जून टेस्ट डेट्स की गल करांगे और आप प्रडिक्ट करांगे कि किस तरीके दे नाल आपां नूं रीडिंग लैवल चांसिस है आंदे हैं, किस लैवल की आपां नूं लिसनिंग देखने नूं मिलेगी एग्जाम दे विच। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोल सैचरडे नूं है 3 जून नूं अपने कोल अकैडमिक आने लई, ये जो अपने कोल टेस्ट आएगा ओनली अकैडमिक है, जनरल ट्रेनिंग इस दे नाल एग्जाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने कोल जिहड़ा टेस्ट है वो सैटरडे 10 जून नू है। ठीक है, तो वो अकैडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उस तो अगे अपने कोल थर्सडे है, थर्सडे 15 जून नू अपने कोल जिहड़ा है अकैडमिक ऑनली। तो सैटरडे अपने कोल जिहड़ा हैगा 24 जून नू अकैडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो अपने कोल दो जिहड़े एग्जाम हैगे आ जनरल ट्रेनिंग दे नाल, बाकी अपने कोल 4 एग्जाम अकैडमिक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल ने। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का अपन जिहड़ा लैवल मिलेगा रीडिंग का एंड लिसनिंग का। तो एक स्टार्ट करन तो पहला एक गल दस देवां कि जो अपने कोल प्रडिक्शन होंदी है वो गैस वर्क हुंदा है। ठीक है, काफ़ी टाइम ये ट्रू जाती हैगी है। ठीक है, तुसीं फुली डिपेंड नहीं होना प्रडिक्शन पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल की है थोड़ी प्रैपरेशन मस्ट है। तो पहला तुसीं जिस तरीके नाल अपना एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिन्ना थोड़ा एवरेज स्कोर है उस तरीके नाल ही अपन एग्जाम दे विच रिजल्ट देखने को मिलता होंदा है। ठीक है, प्रडिक्शन का ये अपन बेनीफिट हो जाता कि अगर अपन प्रडिक्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम आ जाता है तो आप ट्राई करते होंगे कि ईजी मिल जाए। तो हो सकता कि जो लैवल है, ठीक है, एक दो एग्जाम के ईजी देखने मिलता है। ठीक है, आप ओवरऑल गल करिए तो एक अद्धा एग्जाम मंथ के इदा ना हों कि अपन ईजी मिलता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा जहा लैवल ईजी एज़ कंपेयर टू अदर टेस्ट, दैन अपने लिए ये चीज़ की आ ईजी हो जाता है स्कोर वधिया गेट करना। एंड अगर अपने मतलब कि प्रैपरेशन हैगी है 6.5 की, दैन अपने पक्के हो जाते 6.5 एंड 7 स्कोर। ठीक है, तो अपने को जी प्रडिक्शन है इस चीज़ की हैल्प करती है। ठीक है, तो प्रैपरेशन थोड़ी मस्ट है, प्रैपरेशन करो। ठीक है, एंड रीडिंग एंड लिसनिंग की प्रैपरेशन करने मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दसागी। तो पहला आप फर्स्ट एग्जाम की प्रडिक्शन की गल करते हैं। तो अपने कोल जिहड़ा फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है, 3 जून नू है, तो ये अपने कोल ओनली अकैडमिक है। ठीक है, तो इहदे विच आपां नूं रीडिंग का लैवल मॉडरेट होएगा एंड लिसनिंग ईजी टू मॉडरेट होगा। देखो, ईजी लिसनिंग आना एंड ईजी टू मॉडरेट आना काफ़ी फर्क है। ठीक है, तो अपने कोल रीडिंग ओवरऑल लैवल जिहड़ा मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, लिसनिंग ईजी टू मॉडरेट होएगी। सो ओवरऑल आपां कहीए तो एग्जाम जिहड़ा हैगा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस दे विच की आ तुसीं रीडिंग एंड लिसनिंग दी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की गल करा, तुसीं रीडिंग फुल अटैम्प्ट ना करो, एक ओवर रीड ना करो। काफ़ी स्टूडेंट्स की आ रीडिंग दे विच की आ ओवर रीड करते हैं। ठीक है, अगर तुसी ओवर रीड करते हैं तो 100% थोड़ा जो आंसर रोंग होता है। ठीक है, अगर 2 to 3 लाइनस के आंसर पे और 5 to 6 लाइनस रीड कर रहे हो, दैन ओवर रीड कर रहे हो, दैट मीनस तुसी कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, अगर कन्फ्यूज हो आंसर रोंग जाएगा। सो इस चीज़ को अवॉइड करो, ओवर रीड ना करो। ठीक है, कीवर्ड्स के नाल लोकेशन ट्रेस करो, दैन जो थोड़ी लोकेशन ट्रेस हो जाती है तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लैके अपने क्वेश्चन के नाल मैच करो, तो दैन जो आंसर आता है तुसी वो वाला आंसर लगा लो। ठीक है, एंड रीडिंग की जो तुम प्रैपरेशन कर रहे हो, अगर थोड़ा लैवल काफ़ी ज़्यादा वीक है, अगर तो थोड़े स्कोर जिन्हें तुम चाहते हैं डिजायरेबल स्कोर रीडिंग जो एवरेज आ रहे हैं फुल रीडिंग अटैम्प्ट कर रहे, इट्स ओके। ठीक है, अगर थोड़े मतलब लाइक स्कोर रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही हैगी कि ठीक है एग्जाम तुसी जल्दी भरना चाहते हो, फिर तुसी ये चीज़ कर सकते कि रीडिंग दे सैक्शन वाइज तुसी करो। ठीक है, जिदा तुसी सैक्शन पहला कर लिया लिस्ट ऑफ हैडिंग। ठीक है, लिस्ट ऑफ हैडिंग तुसी एक दो दिन ओनली लिस्ट ऑफ हैडिंग ते ही तुसी लगाओ। ठीक है, टाइम रीडिंग एक्स्ट्रा करना जिदा एक मॉर्निंग कर ली इवनिंग कर ली उहदा कोई भी बेनीफिट नहीं हैगा। जस्ट तुसी ये चीज़ करो कि एक जिहड़ा तुसी सैक्शन हैगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ हैडिंग है उहनूं पहला स्टार्ट कर लो, एक दो दिन उहदे ते तुसी टाइम लगाओ। अगर तुसी एक दो दिन इको ही चीज़ से लगाओगे टाइम, ठीक है, तो दैन थोड़ी जो डेफिनेटली वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, इधर सैक्शन वाइज करो, जस्ट 4 सैक्शन ने अपने को रीडिंग दे विच। ठीक है, MCQ ट्रू फॉल्स लिस्ट ऑफ हैडिंग एंड मैच। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी काफ़ी हैल्प करेगी अपनी। एंड लिसनिंग का भी इदा ही करो, लिसनिंग दे विच अपने को फर्स्ट सैक्शन जो हूँ है फर्स्ट क्वेश्चन तो लैके 10th क्वेश्चन तक काफ़ी ईजी हूँ है अपने को फर्स्ट पार्ट, बिकॉज बहुत अपने को फिलअप्स ही होंगे है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होंगे ने अपने को 1 वर्ड 2 वर्ड्स। ठीक है, तो ईजीली हो जाता है, ईजी हूँ है जिदा कि अपने को सैकेंड एंड थर्ड के MCQ वगैरह होंगे। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट सैक्शन ईजी हूँ। एंड लास्ट सैक्शन की गल करिए उस भी अपने को फिलअप्स होंगे 31st तो लैके 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो वो अगर आप फिलअप्स करते हैं मतलब 20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो कि 20 out of 20 तुम्हें लेकर जाने हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट सैक्शन चंगी तरह कर लो, एंड दैन जी थोड़ी प्रॉब्लम होती जिदा कई स्टूडेंट्स में MCQ आती है, किसी स्टूडेंट्स में मैप के आती है। ठीक है, तो मे बी अगर मैप के 5 क्वेश्चन है तो थोड़े 1-2 गलत भी हो जाते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल थोड़े लिसनिंग 7+ स्कोर जो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके करना है।
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 10th ਜੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 10th ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥਰਡ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ 10th ਜੂਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 15th ਜੂਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੋਥ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ 24th ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਸਟ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ 26 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 7+ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੂਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।